हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका कुकिंग फेस्ट विद मीनाक्षी में। तो गाजर का हलवा तो सभी विंटर्स में बनाते हैं और सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन हलवे का टेस्ट तभी अच्छा आता है जब गाजर को दूध में उबाला जाए और घी में अच्छे से भूना जाए। तो आइए जानते हैं किस स्टेज तक हमें गाजर को दूध में पकाना है और घी में भूनना है। तो सबसे पहले मैंने ये 2 किलो गाजर ले ली हैं, इनको धो लिया है, धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब इनको छील लिया है, ऊपर के डंठल निकाल दिए हैं और अब इनकी बारी आती है गाजर को ग्रेट करने की। तो गाजर को ग्रेट करना तो बहुत ही बड़ा काम होता है, तो ये देखिए हमने भी धीरे धीरे इस काम को कर ही लिया और अब बारी आती है इन सारी गाजर को कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने की। तो अब कढ़ाई में भी ट्रांसफ़र हो गई है, अब इनको रख देते हैं हम गैस पर। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिर्फ गाजर को कढ़ाई में डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 लीटर दूध। तो मैंने ये 2 किलो गाजर ली थी तो इसमें 2 लीटर दूध मैंने डाल दिया है और अब गैस की फ्लेम हम ऑन कर देंगे। सिम फ्लेम पर गाजर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि सारा दूध जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा वैसे ही देखिएगा ये गाजर जो है वो कितना पानी छोड़ देगी। तो जब गाजर को हम दूध में पकाते हैं तो हलवे का टेस्ट जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये देखिए हमारा पानी जो है वो सारा ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर मैंने टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए डाला है एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जो कि है मलाई। तो ये जो मलाई है वो हम इसमें 2 कटोरी डाल देंगे। तो मलाई जो है आप पहले से ही इकट्ठी कर लीजिएगा क्योंकि हलवे की प्लानिंग तो हम पहले से ही कर लेते हैं कि हमें हलवा बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसमें 2 कटोरी मलाई जो है वो डाल दी है और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे मैंने 4-5 इलायची जो है वो कूट कर ले ली हैं और वो इसके अंदर हम डाल देंगे और उसके बाद इसकी मिठास को बढ़ाने के लिए हम डालेंगे चीनी। तो चीनी जो है वो 1 किलो में आप 200 ग्राम तक डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें 400 ग्राम के करीब चीनी डाल दी है। आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा हल्का सा मीठा ही अच्छा लगता है, अगर ये कम मीठा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए चीनी हमने जैसे ही डाली इसमें गाजर ने फिर पानी छोड़ दिया है, तो अब इस पानी को हमें फिर से ख़त्म करना है। तो ये देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है। अब बारी आती है हलवे को भुनाई करने की, हलवे की। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे करीब 100 ग्राम तक घी इसमें हम डाल देंगे क्योंकि जो मलाई हमने डाली है वो भी घी छोड़ेगी थोड़ा बहुत। तो 100-150 ग्राम घी इसमें हम डाल देंगे और तो घी डाल के हलवे को हम अच्छे से भूनेंगे और इस हलवे को हमें तब तक भूनना है जब तक कि जो ये हलवा है वो घी ना छोड़ने लग जाए। तो जब ये हलवा घी छोड़ने लगेगा तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। जैसे कि जब हलवे में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा तो हलवा ख़राब भी जल्दी नहीं होगा, आप इसको करीब 1 हफ्ते तक रखकर आराम से खा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हलवा किस तरह से घी छोड़ेगा साइडों में भी और कढ़ाई में भी। ये देखिए ये जितना भी सब दिखाई पड़ रहा है ना ये घी है, अब पानी इसका बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है, अब हलवे में पानी बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने इसमें कुछ और तो डाला नहीं है। तो हलवा हमारा बन गया है, गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और हलवे को हम रख देंगे साइड में। हलवे को साइड में रखने के बाद भी हम 1-2 बार चलाते रहेंगे क्योंकि जो कढ़ाई है अभी हमारी गर्म है, कहीं ऐसा ना हो हलवा जो है हमारा नीचे से जल जाए। और उसके बाद हमने पैन ले लिया है, पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी, घी को मेल्ट कर लेंगे और इधर मैंने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश, आप चाहें तो इसमें पिस्ता और चिरौंजी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो घी गर्म हो गया है, मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं काजू और बादाम और काजू बादाम को हमें तब तक भूनना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा पिंक कलर में ये दिखने लगे। तो जैसे ही ये भून जाएंगे इनको हम निकाल लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट हमारे भून गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये किशमिश। किशमिश को हमें ज़्यादा भूनना नहीं होता है, बस किशमिश को डालेंगे और 1-2 बार चलाएंगे और उसके बाद इनको हम निकाल लेंगे क्योंकि अगर इनको हम ज़्यादा भूनेंगे तो बहुत जल्दी जल जाती है किशमिश जो है। तो बस इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये देखिए बस इतना ही हमें भूनना है, अब किशमिश को हम निकाल लेंगे। तो हलवा हमारा तैयार हो गया है, ड्राई फ्रूट भी हमारे भून गए हैं। अब बारी आती है हलवे को सर्व करने की। तो हलवे को सर्व करने का मैं आपको एक खास तरीका बताऊंगी, आप अगर उस तरीके से हलवे को सर्व करेंगे तो सब कहेंगे कि वाह कितना टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो हलवे को सर्व करने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। तो मैंने वही घी ले लिया है जो ड्राई फ्रूट को भूनने के बाद बच गया था। उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 से 1.5 करछी जो है हलवा डाल दिया है। उसके बाद ये मैंने लिया है मावा और 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने मावा डाल दिया है। मावा डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा डालने के बाद इसको हम भूनेंगे नहीं ज़्यादा, नहीं तो क्या होगा मावे का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो जब मावा हम ऐड कर देंगे उसके बाद इस हलवे का जो टेस्ट और टेक्स्चर है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। ये देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है हलवा। तो अब बारी आती है हलवे को प्लेटिंग करने की। तो इसको हम पहले प्लेट में डालेंगे उसके बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो देखने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप भी एक बार इस तरीके से हलवे को ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरी ये हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग फीस्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।